सब्सक्राइब करें टेक्निकल टीचर चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए नए वाले टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, कंप्यूटर की स्क्रीन जो है उसे रिकॉर्ड करने के लिए आपने अगर नेट पर खोजा होगा तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा कि वह बिल्कुल फ्री है, उसे परचेस नहीं करना पड़ता और भी सारी फैसिलिटीज है जो आपको एक कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए चाहिए। तो नमस्कार, मैं हूं गणेश चेड़े, आप देख रहे हैं टेक्निकल टीचर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए मैं आपको एक सॉफ्टवेयर रेकमेंड करूंगा, उसका नाम है एसी सॉफ्ट। ये आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर यहाँ पे देख रहे होंगे। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये पोर्टेबल है, यानी आपको इसे इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ आपको ये जो फाइल है डाउनलोड करनी पड़ेगी और डाउनलोड करने के बाद इसे एक्सट्रैक्ट कर यहाँ पे एक लोगो होता है उस पर आप डबल क्लिक करके अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन जो है उसे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आप ये जो वीडियो देख रहे हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी डाउनलोड की लिंक दी है, आप वहाँ से फ्रीली इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं आपको ये सॉफ्टवेयर किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट करना है ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर है, ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसलिए मैं इस पर सिंपली राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल जो है इस पर मैं क्लिक करूंगा। तो क्लिक करने के बाद फिर ओके कर दूंगा और ये जो सॉफ्टवेयर है ये अब पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पे पासवर्ड देना है आपको 123 और इसे ओके करना है। तो ये सॉफ्टवेयर जो है जो जो इसकी जो जिप फाइल है ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और इस प्रकार से आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर ये सॉफ्टवेयर आपको दिखाई देगा। तो इसे हम क्या करेंगे, सिंपली डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक फोल्डर आ जाएगा, इसे डबल क्लिक करेंगे और ये वाला जो है इस पर आपको क्या करना है, आपको डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद इसे ये फिर आपके कंप्यूटर पे रन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए पोर्टेबल दिखा रहा है और इस प्रकार से ये सॉफ्टवेयर आपकी मशीन में विदाउट इंस्टॉल किए बिना ही ये क्या करता है, रन हो जाता है और ये लाइसेंस की कहीं पर भी नहीं मांगता। तो इसे परचेस करने की ज़रूरत नहीं, फ्री है, आप इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, स्नैपशॉट ले सकते हो और भी कुछ ऑप्शन है वो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम वीडियो रिकॉर्डर देखेंगे। तो वीडियो रिकॉर्डर में आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो ऑप्शन है, ये वाले जो ऑप्शन है आप इसे डिस्प्ले जो है उसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप फुल स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, कस्टम स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, फिक्स रीजन रिकॉर्ड कर सकते हो, उसके बाद माउस के तरफ जो जहाँ पे आपका माउस जाएगा वहीं पर आप रिकॉर्ड कर सकते हो और माउस को फॉलो भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं कि इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेब कैमरा है और अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करते वक्त वेब कैमरे की ज़रूरत है तो आप यहाँ से ऑफ है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ऑन हो जाएगा और आपका वेब कैमरा चलने लगेगा। तो स्क्रीन रिकॉर्ड करते करते आप जो जानकारी देते हैं इसके बारे में भी इसे जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सिस्टम साउंड, यानी कंप्यूटर के भीतर का जो आवाज़ है ये रिकॉर्ड करता है। इसके बाद यहाँ पर है माइक्रोफोन, लैपटॉप को जो माइक्रोफोन होता है उससे ये रिकॉर्ड करने की शुरुआत करता है। यहाँ पे देखिए, रिकॉर्ड पर आप क्लिक करोगे तो शॉर्टकट कीज़ है, आप ओके कर दीजिए और यहाँ पे देखिए ये वाला 3 सेकंड का टाइमर लेता है, इसके बाद इतना जो है ये रिकॉर्ड कर सकता है। और ये जो यहाँ पे जो बार है इसे वह नहीं दिखाता, ये सिर्फ हमें दिखने के लिए ही होता है। आप यहाँ पे स्टॉप कर दोगे तो स्टॉप करने के बाद ये जिसने इतना जो रिकॉर्ड किया है आप इसे सेव कर सकते हो। तो इस प्रकार से बहुत ही यूज़फुल ये एप्लीकेशन है, फ्री है, इसे आप डाउनलोड कीजिए और अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। तो इस प्रकार के टेक्निकल के जो वीडियो हैं मैं हमारा जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पर हमेशा पोस्ट करता रहता हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए।